सिंगरौली में आप पुलिस अवैध रेत उत्खनन को रोकने का काम करेगी। अवैध रेत परिवहन न हो इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और अगर कोई अवैध कारोबार करते हुए पकड़ा गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली में अवैध रेत खनन और परिवहन ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। आए दिन अवैध रेत का मामला सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन अब इस रेत की रखवाली पुलिस के हाथों में सौंप दी गई है। अवैध रेत परिवहन न हो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और अवैध रेत उत्खनन पर कारोबारी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस ने सभी संभावित रास्तों पर जेसीबी के माध्यम से गड्ढे खुदवा दिए हैं, जिससे कि किसी भी स्थिति में कोई भी वाहन नदी या डैम पर जाकर अवैध तरीके से रेत की निकासी न कर सके। अवैध रेत की निकासी को रोकने के लिए विशेष दस्ता तैयार किया गया है, जो कि 24 घंटे मुस्तैद रहकर इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्थिति में अवैध रेत की निकासी ना हो सके। यदि कोई भी व्यक्ति रेत का अवैध उत्खनन या परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।